हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं विरत सिलेक्शन मेंटर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन है ये खासकर उन विद्यार्थियों के लिए है जो यूपी पीएससी की तरफ से समीक्षा अधिकारी 2016 के एग्ज़ाम में अपियर हुए थे। दोस्तों, ये एग्ज़ाम री एग्जामिनेशन के तौर पर कराया गया था, आप सब लोगों को मालूम है। इसका प्री और मेन्स हुआ। प्री और मेन्स के बाद इसका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना था, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है ये आपका अप्रैल में होना था। बट आपको मालूम है कि लगातार कोरोना की वजह से लगातार जो संकट आए थे इसकी वजह से इसको पोस्टपोन कर दिया गया था। मैं बात कर रहा हूँ यूपी आर ओ ए आर ओ 2016 एडवर्टीजमेंट नंबर A3E1 2016, इसके लिए बात कर रहा हूँ। तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी है उन लोगों के लिए। सिलेक्शन तो हो ही गया था, प्री और मेंस में आपका सिलेक्शन हो गया। जो लोगों का सिलेक्शन हुआ उनको बहुत बहुत बधाइयाँ। लेकिन अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट स्टेप है, और इससे रिगार्डिंग बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आयोग ने अपनी वेबसाइट पर रखी हुई है। उस पर जाकर के आप उसको विजिट करिए, उसको देखिए, और मैं आप लोगों को यहाँ पर थोड़ी सी सहायता कर दे रहा हूँ। इसको विजिट करने के लिए अगर बात करी जाए तो मैं थोड़ी सी सहायता कर दे रहा हूँ आपके लिए। किस तरीके का नोटिफिकेशन आया है और कैसे आप इस नोटिफिकेशन को देख सकते हो, इसके ऊपर अगर हम चर्चा करें तो आप देखिए, आप यूपीपीएससी के वेबसाइट में मैं जाऊँगा, इस पर क्लिक करूँगा। ये आपको यूपीपीएससी का जो डैशबोर्ड है वो ओपन होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन वाले कॉलम में, आप देखिए ये पूरा नोटिफिकेशन का कॉलम है। नीचे तक इसमें पहला वाला जो नोटिफिकेशन आ रहा है फिलहाल, जो कि 30/6 तक विजिबल रहेगा, इस पर जब आप क्लिक करोगे तो पीडीएफ डाउनलोड होगा। ये पीडीएफ है, इस पीडीएफ को मैं आपको पढ़ करके सुना दे रहा हूँ, और इसमें इंपॉर्टेंट जो बातें हैं उसको भी मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। देखिए, ये कल ही ये सूचना जो है प्रकाशित करी गई है आयोग की वेबसाइट पर। बहुत ध्यान देखिए, आप लोग प्री निकाल चुके हैं, मेंस निकाल चुके हैं, और इस पॉइंट पे जाके लापरवाही किसी भी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। कई बार हालांकि इस पॉइंट पे किसी से लापरवाही होती नहीं है, पर कई बार गलती से गलतियां हो जाती हैं। देखिए, आपको मालूम है कि ये जो चयन था 2016 की परीक्षा के लिए, जो चयन था उसका परिणाम घोषित किया जा चुका था, और 22/4/2021 से 24/4/2021 के मध्य जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होने थे वो करने की डेट रखी गई थी। लेकिन कोविड की वजह से इसको जो है 20 अप्रैल को स्थगित कर दिया गया था, और अब जो नई डेट आई है वो 28/6 से 30/6/2021 के बीच की है। तो ये डेट आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है, किसी भी प्रकार से इसमें आप मिस नहीं कर सकते हैं चीज़ों को। डिफरेंट डिफरेंट पदों के लिए अलग अलग कार्यक्रम यहाँ पर प्रसारित किया गया, आप देख सकते हैं। समीक्षा अधिकारी सचिवालय ये 28/6 और 29/6 को प्रातः 10 बजे और दोपहर 1 बजे, तो आपको ये टाइम ध्यान रखना है। ये जो चयन क्रमांक है उसके अनुसार 1 से 50, 51 से 100, 101 से 150 और 151 से 185 तक, ठीक है। इसके अलावा समीक्षा अधिकारी मुख्य निर्वाचन आयुक्त में, लोक सेवा आयोग में, लेखा सचिवालय में, ये सारे अभ्यर्थी जो हैं ये 10 बजे 30/6 को उपस्थित होंगे। अब ये सब चीज़ें तो आप देख ही लोगे, अपने अनुक्रमांक के अनुसार सारी चीज़ें कर ही लोगे। मेन बात ये है कि जो कोविड प्रोटोकॉल्स हैं उसको ध्यान रखना बहुत 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 ज़रूरी है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आपका RT-PCR होना बहुत ज़रूरी है। आप अपनी RT-PCR की निगेटिव रिपोर्ट जो है वो लेकर के जाइएगा, बगैर इसके आपको संस्था में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा, इस बात का ध्यान रखना है। और दोस्तों, अपने साथ कोई भी एक्स्ट्रा सामान लेकर के ना जाएं, आपका वो सामान जो है चोरी भी हो सकता है, क्योंकि आपको अंदर लेके जाने नहीं दिया जाएगा, तो आप रखोगे कहाँ उसको, तो मिसमैनेज हो सकता है। इसलिए पहले ही आयोग ने बोला है कि अपने जितने भी अभिलेख हैं उनकी मूल एवं छाया प्रति, यानी कि आपको फोटोकॉपी और ओरिजिनल दोनों लेकर के जाना है, कोई बैग, ब्रीफकेस, ये सब चीज़ें नहीं लेनी है। मास्क बहुत ज़रूरी है, RT-PCR की जांच आपके लिए ज़रूरी है, नेगेटिव रिपोर्ट आपको होना चाहिए, और जितने भी COVID-19 के प्रोटोकॉल्स हैं शासन के द्वारा जो जारी किए गए हैं उसका आपको पालन करना है। हैंड वॉश और सैनिटाइज़र आपको वहां पर उपलब्ध रहेगा, पर मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपना स्वयं का हैंड सैनिटाइज़र ज़रूर लेकर के जाएं। हैंड वॉश तो नहीं पॉसिबल है ले जाना, पर हैंड सैनिटाइज़र ले जाना पॉसिबल है, तो आप उसको ज़रूर ले जा सकते हैं। थर्मल स्कैनिंग वगैरह होगी तो उसको आप ध्यान रखेंगे। अब इन सब से रिलेटेड आपको क्या करना है, जो फॉर्म आपने फिल किया है, वो फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा, ये फॉर्म आपको वेबसाइट पर वापस आओगे तो आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, थर्ड नंबर पे देखिए, क्लिक हियर टू डाउनलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड एप्लीकेशन फ्रॉम द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी एटसेट्रा। आप इस पर क्लिक करेंगे,
क्लिक करेंगे तो आपका ये इस तरीके से विंडो ओपन होगा। इस विंडो में अपनी सारी डिटेल फिल करके व्यू वैलिडेट डिटेल्स करोगे तो आपका सारा का सारा वो जो ऑप्शन है वो आपके सामने आ जाएगा, फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा। अब इस फॉर्म का क्या करना है, ये वाला जो फॉर्म है इसको भी लेकर के जाना है। साथ ही साथ आपको देखिए यहाँ पर लिखा है कि सबमिट करना है, फॉर्म आपको मिलेगा, इसको मुद्रित करके उसके साथ जितनी भी शैक्षिक योग्यताएं हैं और जितने भी अभिलेख आपके पास हैं, प्रमाण पत्र आपके पास हैं, उनकी स्व प्रमाणित प्रतियां, देखिए जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, स्व प्रमाणित प्रति का दो दो सेट तैयार करना है। मैं तो कहूँगा आप तीन सेट तैयार करके रखिए, एक अपने पास रखिए एक्स्ट्रा, पर दो वहाँ पर आपको दिखाने हैं, फॉर कुछ भी किसी प्रकार की गलती होती तो आप एक्स्ट्रा स्फीयर में जरूर रखें, ठीक है। उस फॉर्म सेट को अपने साथ लेकर के जाएँ और साथ ही साथ निर्धारित स्थान पर अपने खुद के हस्ताक्षर होने चाहिए और ध्यान रखिए राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित फोटो होनी चाहिए। तो आपकी जो फोटो कॉपी है वो तो आप सेल्फ अटेस्टेड कर लोगे, लेकिन जो आपकी फोटोज हैं वो आपको किसी गजेटेड ऑफिसर के द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए। ऐसी दो फोटो चाहिए और दो फोटो सादी चाहिए जिसमें प्रमाणित ना हो, यानी कुल मिला के कितनी फोटो चाहिए भाई, चार चाहिए, दो जो है गजेटेड ऑफिसर से प्रमाणित होनी चाहिए और दो बिल्कुल खाली होनी चाहिए, इस पर कोई साइन वगैरह ना हो। इसको लेकर के आप आयोग के गेट नंबर 2 पे जाएंगे, वहां पर सरस्वती भवन है, वहां पर आपको पहुंचना है अपने नियत टाइम पर, जो ऊपर नियत समय दिया गया है, ठीक है। ध्यान रखना है इन सब चीज़ों को, बहुत ज़रूरी है। जितनी भी आपके पास में डॉक्यूमेंट हैं, जो भी आपने रिजर्वेशन से संबंधित प्रमाण पत्र हैं, जो भी उसकी मूल प्रति जरूर लेकर के जाएं, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है, इसको बिल्कुल लेकर के जाइए। उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थी को पिता पक्ष से समक्ष सक्षम अधिकारी द्वारा जाति निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी। उत्तर प्रदेश के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी जो हैं वो दावे के समर्थन में वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित नवीनतम प्रारूप जारी किया गया प्रमाण पत्र, यहाँ पर वेबसाइट में आप जाओगे तो वहाँ से आपको इसका प्रारूप मिल जाएगा। फिर से ये सारी चीज़ें करना है, जितने भी मतलब वांछित मूल प्रमाण पत्र हैं उनको आप लेकर के जाएं। सिलेक्शन मेंटर आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है जो यहां पर पास हो गए हैं। आरओ 2016 का एग्जाम जिन्होंने क्वालिफाई किया है उनको सिलेक्शन मेंटर बहुत बहुत धन्यवाद देता है। आपके सुंदर और अच्छे भविष्य की शुभकामनाएं सिलेक्शन मेंटर की ओर से आपको दी जाती हैं। और दोस्तों एक और छोटी सी सूचना मेरे पास में आपके लिए है कि यदि अगर आप में से कोई भी व्यक्ति यूपी आर ओ ए आर ओ 2021 की तैयारी करना चाहता है तो नीचे देख रहे हैं नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, आप उनसे जुड़ सकते हैं हमारे लिए। और मैं बहुत ही जल्द विद इन 2 or 3 days जितने भी यूपी पीसीएस के पिछले पेपर हैं, सेट पेपर हैं, उनको मैं सॉल्व कराने जा रहा हूँ 1 to 1, वो बहुत आपके लिए सहायता करेंगे। और खासकर आर ओ की तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का मैं पूरा सेशन आपके लिए लेकर के आने वाला हूँ बिल्कुल निशुल्क। अगर आपको ये सेशन से जुड़ना है, हमारे साथ में पढ़ना है, तो आप इन नंबरों पर हमें अपना नाम लिख करके व्हाट्सएप ज़रूर करें। और ये जो डिटेल मैंने आपको भेजी है इसका पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, तो आपको पीडीएफ जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आशा करते हैं कि सभी को जो भी चीज़ें मैंने यहाँ पर बताई हैं वो समझ में आई होंगी। किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न अगर किसी को है तो आप बेझिझक हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। किसी प्रकार से डॉक्यूमेंट को लेकर कोई समस्या आ रही है तो आप उनको जो है हमसे डिस्कशन कर सकते हैं, जितना संभव हो सकेगा मैं आपकी सहायता करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। तो आशा करेंगे कि आप सब लोग अच्छे से नियत समय पर पहुँचेंगे और अपनी तैयारी करेंगे। धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए, और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए और अन्य लोगों को भी प्रेरित करिए कि वो समीक्षा अधिकारी 2021 की जो तैयारी है उसको अच्छे से करें। हमारे साथ में हम आपको निशुल्क प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है सॉल्व कराने वाले हैं, और सुबह 10:30 बजे डेली पॉलिटी की क्लास चलती है तो आप उसको भी अटेंड करना ना भूलिए। प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।